हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम फाइनली इस डैमसेल वैरायटी को क्लोजअप करेंगे। आखिरी के कुछ एक्सक्लूसिव डैमसेल को हम बचा के रखे थे हमारे इस एपिसोड के लिए। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक एक्सक्लूसिव जेनस के ऊपर है, दैट इज पोमा सेंटस। पिछले वीडियो में आपने देखा था नियो पोमा सेंटस और पोमा सेंटस में काफी डिफरेंस है। पोमा सेंटस का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के फिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस जेनस के, पोमा सेंटस जेनस का जो पहला फिश डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पोमा सेंटस एम्बोनेंसिस। ये डैमसेल में एक बहुत यूनिक डैमसेल है। सारे डैमसेल का कलर पैटर्न एक तरफ और इसका कलर पैटर्न दूसरा तरफ, दैट इज येलो डैमसेल फिश। इसका कॉमन नेम येलो डैमसेल है। ये कंप्लीट येलो कलर का है। येलो टैंक के बाद ये एक डैमसेल है जो कंप्लीट येलो कलर का है। येलो टैंक येलो एंजल है, लेमन पील एंजल है, उसके तरह ये डैमसेल भी कंप्लीट येलो कलर का है। ये बहुत वाइब्रेंट और एक्सक्लूसिव कलर का है। बहुत डिमांडिंग डैमसेल है, बहुत रेयर भी, इजीली अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा कॉस्टली डैमसेल भी है। ये इंडो वेस्ट पैसिफिक में मिलता है। 3 इंच तक इसका साइज होता है। कलर तो ये पूरा येलो है। बॉडी शेप थोड़ा चौड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हो। सभी डैमसेल के तरह ये एग्रेसिव भी है। एग्रेसिव है, टेरिटोरियल है, लेकिन ये डैमसेल एक चीज़ है, ये एक्वेरियम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों? सबसे पहले ये समुंदर में थोड़ा गहराई में रहता है और कोरल के उस बीच इसका येलो कलर ऐसा है कि ये कैमोफ्लेज होकर रहता है। येलो स्पॉन्ज के अंदर रहता है, येलो सी फैन के अंदर रहता है, फिर आपका जो सन कोरल है, सन कोरल के अंदर रहता है। बहुत सारे जो येलो कोरल्स हैं उनके साथ ये अपने आप को कैमोफ्लेज करके रहता है, काफ़ी डीप में रहता है और कैमोफ्लेज करके रहता है। इसका जो फूड हैबिट है, यूजली ये सॉफ्ट टिश्यूज़, क्रिल, ये सब के ऊपर रहता है। एक्वेरियम में फिर भी ड्राई फूड ले लेता है, लेकिन एक्वेरियम में ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ये एक्वेरियम में लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ड्राई फूड में ये अडेप्टेड होने पर भी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ड्राई फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लॉन्ग टर्म में ये अनहेल्दी हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाता है, ये मर जाता है। और इसका जो टेरिटोरियल बिहेवियर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। आपके टैंक के कॉर्नर में एक डैमसेल ने टेरिटोरी बनाया, वहाँ पर दूसरे फिश गया तो वो उसको पीटना शुरू किया। ये डैमसेल बहुत नोटोरियस है। ये अपने पूंछ से पूरे टैंक में सैंड को हिलाता रहता है, उड़ाता रहता है, पूरे टैंक में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सबसे पहले सैंड को निकालता रहता है खाने की खोज में। उसको लगता है कि वो कीड़ा मकोड़ा खाता है सैंड से निकाल निकाल के। ये थोड़ा बेड ओरिएंटेड है, बेड में ज़्यादा रहता है। ये डैमसेल बेड के पास रहता है, सैंड बेड के पास रहता है, ऊपर सतह में फ्लोट नहीं करता है। सो काफ़ी डीप में रहता है समुंदर में, तो टैंक को डिस्टर्ब करता है और ये भी टेरिटोरियल है। मज़े की बात है, इसका टेरिटोरी थोड़ा बड़ा है। आप जिस टैंक में रखोगे वो टैंक ही इसका टेरिटोरी हो जाता है। मतलब अगर आप 4 फीट के टैंक में रखोगे, दूसरा डैमसेल 4 फीट के कॉर्नर को अपना टेरिटोरी बनाएगा। ये डैमसेल 4 फीट के पूरे टैंक को अपना टेरिटोरी बनाएगा। इस टैंक में कहीं पर कोई भी फिस जाएगा तो ये जाके पीटेगा, क्योंकि वो इसका टेरिटोरी बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा टेरिटोरी एरिया में रहता है। अगर आप 5 फीट के टैंक में इस डैमसेल को छोड़ोगे तो वो 5 फीट का टैंक को, पूरा टैंक को ही अपना टेरिटोरी बना लेगा। सो टेरिटोरियल बिहेवियर से ये अग्रेसिव है, सुइटेबल नहीं है। एकदम छोटे फिश के लिए, दूसरे डैमसेल के लिए तो बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। ये बड़े बड़े फिशेस के साथ सुइटेबल है, बड़े फिश के साथ आप रख सकते हैं। ये हालांकि साइज में तो बहुत बड़ा नहीं होता है, साइज में तो मैक्सिमम 3 इंच ही होता है, लेकिन इसका एग्रेसिव बिहेवियर बहुत अलग तरीके का है। सो दिस इज नॉट फिट फॉर एनी बिगिनर्स, दिस इज नॉट फिट फॉर योर कम्युनिटी टैंक और रीफ टैंक। नेक्स्ट जो हमारा अगला फिश है, दैट इज पोमा सेंटस फिलिपिनियस। इसे फिलिपिन डैमसेल भी कहते हैं और पर्पल डैमसेल। आप मेरे कुछ वीडियो पहले मैंने पर्पल डैमसेल लाया हुआ था, दैट इज फिलिपिन डैमसेल और पर्पल डैमसेल। ये वेस्टर्न पैसिफिक और सेंट्रल इंडो पैसिफिक में पाया जाता है। ये 5 इंच तक बड़ा हो सकता है, काफी बड़ा होता है। ये डार्क ब्लू कलर या पर्पल कलर का होता है और इसका पूंछ येलो टेल होता है। जो पत्थर में जो छोटा छोटा जो छेदा रहता है, ये कोरल के बीच में छुपा हुआ रहता है। लाइव रॉक में जो होल रहता है उसके अंदर छुपा हुआ रहता है। आपके कोई भी अगर डेकोरेशन का आइटम दी, उसमें थोड़ा अगर स्मॉल होल है तो उसमें छुपा हुआ रहता है। ये अपना डेन बना के, अपने घर बना के उस घर के अंदर छुप छुपा के रहता है। ये बहुत खूबसूरत फिश है। इसका बिहेवियर एटीट्यूड बहुत फिश अच्छा है, बहुत शांत है। हालांकि ये डैमसेल में काफ़ी पीसफुल डैमसेल है। पर्पल डैमसेल बहुत पीसफुल डैमसेल है, रेयर है, बहुत रेयर है। फिलिपिन डैमसेल, पर्पल डैमसेल बहुत रेयर है, हमारे पास मिलता है, ठीक है।
ये काफी पीसफुल डैमसेल है, इसके रहने के लिए काफी हिडन स्पेस चाहिए। ये ओपन एक्वेरियम में नहीं घूमता है, ओपन नहीं घूमता है, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है ओपन में रखने से, या अगर हिडन स्पेस ना हो, डेकोरेशन ज्यादा ना हो तो थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो ये खाना तो सब खाना खाता है, फ्रोजन फूड खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर इससे छोटा कोई फिश हो तो उसको डिस्टर्ब करता है, थोड़ा मारता है, थोड़ा टिंगलिंग करता है, लेकिन मर्डर नहीं करता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये टेरिटोरी में पर्टिकुलर ये जिस गुफा में रहेगा उसी गुफा में ही किसी को अलाउ नहीं करेगा, बाकी टैंक में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये बिगिनर फिश के लिए बहुत अच्छा फिश है, अच्छा बिगिनर फिश है, और आपके टैंक के लिए रीफ टैंक में हो बहुत अच्छा है, फिश ओनली के लिए हो उसके लिए भी अच्छा है, बड़े फिश छोटे फिश सबके लिए अच्छा है। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डैमसेल का तो बहुत 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 और भी वैरायटी है, खत्म करने जाऊं तो 50 से ज्यादा डैमसेल हो जाएंगे, डैमसेल में ही 10-12 वीडियो हो जाएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं, जो डैमसेल अवेलेबल होते हैं, जो सही होता है आपके लिए, कुछ सही कुछ गलत मिला के दे रहा हूं ताकि आपका नॉलेज सही रहे। सो ये डैमसेल आज के वीडियो का आखिरी और डैमसेल सीरीज का आखिरी डैमसेल है, दैट इज इसी जेनस के पोमासेंटस पाबो, इसे पिकॉक डैमसेल कहते हैं। बहुत हार्डी स्पेसीज है, हर डैमसेल की तरह टेरिटोरियल है, हार्डी है, एग्रेसिव है, कम्युनल है, कम्युनल इन द सेंस ये दूसरे फिश के साथ मिलकर रहते हैं। अगर एक साथ एक भीड़ टैंक में रखे तो ये कम्युनल होते हैं, थोड़ा मिलकर रहते हैं, मेल थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, अप टू 3 इंच होता है, मेल थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होता है, फीमेल एग्रेसिव नहीं होता है, मेल का कलर बहुत वाइब्रेंट होता है, पीकॉक के फेदर की तरह ग्रीन जो चमकता है वो चमकता है, और फीमेल का उतना ज्यादा वाइब्रेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी सिमिलर होता है। थोड़ा हाइडिंग स्पेस देकर इसे रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये डैमसेल भी आपके चॉइस के लिए, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा डैमसेल है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव है, सोच समझ के आपके टैंक में डालना है कि इसके बाद आप कौन सा फिश डालोगे, किसको मारेगा किसको नहीं मारेगा, ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज, जो किताब में लिखा हुआ है, जो इंटरनेट में लिखा हुआ है, और जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इस मछली को पिछले 15-17 साल से डील करते हुए जो एक्सपीरियंस गैदर किया है, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरा ये नॉलेज आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर 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 हमारे कमेंट में बताइए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा इस तरह आपका साथ की ज़रूरत है, इसी तरह यूं ही आप अपना प्यार हमें देते रहिए, आपका साथ हमें चाहिए, दिल से आपके बिना मैं अधूरा हूँ, आप लोगों के प्यार के बिना, आप लोगों के समर्थन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज जो भी हूँ आप लोगों के लिए हूँ, और जो भी हूँ आप लोगों के वजह से ही हूँ। सो आप ही लोग हो जो मुझे प्यार देकर इस जगह पर लाए हो, और आप ही लोग हो जो मुझे और आगे उत्साह दोगे आगे अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। सो आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, मैं अपने दिल से धन्यवाद जताता हूँ आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए। जय हिंद, हर हर महादेव।